हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कुछ दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाला है। तो मैं सोच रही थी उसी के लिए कुछ स्पेशल सा बनाऊं। आज हम लिपन आर्ट करने वाले हैं, उसी के साथ साथ हम कुछ टिप्स सीखने वाले हैं लिपन आर्ट की। तो चलिए अब लिपन आर्ट करने के लिए मटेरियल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एमडीएफ बोर्ड, जो कि मैं मीडियम साइज का ये ले रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत बड़े पे ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने छोटू से ले लिया। उसके बाद मैं ले रही हूँ मोल्डेड क्ले क्योंकि हम लिपन आर्ट तो इसी से करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हमें कोई भी एक पाउडर चाहिए एंड स्केल पेंसिल कंपास चाहिए एंड लास्टली हमें फेविकोल चाहिए। तो गाइस, जब भी हम लिपन आर्ट या मोजाइक आर्ट कुछ करते हैं तो हमें इसका मिडल पॉइंट सर्च करने में काफी दिक्कत आती है, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है लाइन अगर हम कंपास से भी करते हैं। तो आज मैं आपको उसी के लिए एक टिप बताने वाली हूँ कि हम ये सेंटर पॉइंट कैसे सर्च कर सकते हैं। तो गाइस, मिडल पॉइंट को सर्च करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक पेपर, फिर हमें एमडीएफ बोर्ड लेना है जिसका हमें सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। अब इस एमडीएफ के मेजरमेंट से एक सर्कल बनाना है, फिर इस सर्कल को अच्छे से कट कर लेना है। सर्कल को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, अब इसको एक साइड से ऐसे फोल्ड करना है एंड ये वाली साइड से भी एक और फोल्ड करना है। कुछ इस तरीके से करके कॉर्नर है इसको कट कर देना है यहाँ से। अब इसको एमडीएफ के ऊपर रखेंगे। अब पेंसिल से इस पे डॉट लगा लेंगे एक एंड यहाँ पे कंपास रख के आराम से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं कितना परफेक्टली सर्कल बना है, मतलब बिल्कुल इक्वल है चारों तरफ से। अब अंदर की तरफ एक और सर्कल बनाना है, सेम पॉइंट के ऊपर ही हम कंपास रख के सर्कल बनाते रहेंगे। यार, मुझे तो ये ट्रिक काफी ज्यादा पसंद आई, आप लोग जरूर ट्राई करना इसको। आप लोग देखो कितने इक्वल बने हैं, मतलब चारों तरफ से एकदम बराबर सर्कल बने हैं, मतलब कहीं ऐसा ज्यादा या कम नहीं है, इक्वल है। अब जो ये अंदर वाला सर्कल है, इसके अंदर मैं गणेशा बना दूंगी। मैं पेंसिल से पहले ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बनाया है, सेंटर में बहुत ही इजी से गणेशा का फेस भी बनाया है। आप लोग बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिपन आर्ट करने के लिए हमें जरूरत होती है क्ले की, तो मैं मोल्डेड क्ले यूज कर रही हूँ। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा इस क्ले के अंदर दो कॉम्पोनेंट निकलते हैं, आपको इक्वल ही क्वांटिटी में लेके दोनों क्ले को अच्छे से मिक्स करना होता है। और मेक श्योर जब भी आप क्ले को मिक्स करें तो हाथों पे कोई भी पाउडर लगा लें ताकि क्ले ना चिपके। क्ले मिक्स होने के बाद कुछ ऐसी हो जाएगी। गाइस, जब हम इसके ऊपर क्ले लगाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से हाथों से स्प्रेड करते हैं उसको, तो इससे क्या होता है क्ले हमारी अनइवन सी हो जाती है, मतलब इक्वल उसकी थिकनेस नहीं होती, कहीं से ज्यादा कहीं से कम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हाफ ऐसे क्ले को कट कर लेना है, फिर हमें लेना है एक छोटा सा एमडीएफ बोर्ड, उससे स्लोली स्लोली इस तरीके से करना है। इससे क्या होगा, जो क्ले की थिकनेस है एकदम इक्वली आएगी। अभी तक आप लोग देख लो, कहीं से मोटा पतला नहीं होगा, बराबर ही आएगा एकदम। अब आप लोग देख ही सकते हैं कहीं से भी ये अनइवन नहीं है। उसके बाद मैंने ब्रश से फेविकोल लगाया एंड जो हमने डिजाइन बनाया था गणेशा वाला, उसके ऊपर स्लोली स्लोली क्ले को लगाना शुरू कर दिया अच्छे से। अब जो ये सर्कल्स हैं, मैं सर्कल्स के चारों तरफ भी क्ले लगाना शुरू कर दूंगी। गाइस, मैंने बहुत ही केयरफुली ये सारे सर्कल्स के ऊपर क्ले को लगा दिया है। और आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, आप जब क्ले मिक्स करोगे ना तो कम कम क्वांटिटी में लेकर करना, क्योंकि अगर एक साथ सारी क्ले मिक्स कर ली तो क्ले जल्दी जल्दी ड्राई होने लग जाएगी। तो आप जितनी क्वांटिटी चाहिए पहले उतनी ही लेकर के मिक्स करें। तो गाइस, क्ले अच्छे से ड्राई हो चुकी है, मैंने 30 से 40 मिनट तक इसको ड्राई कर लिया था। अब हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। तो कलर्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ मोंटमार्टे के एक्रेलिक कलर्स, आप कोई और से भी एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं। गाइस, मैं पूरे डिजाइन पे रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं। गाइस, कलर अच्छे से हो चुका है, ड्राई भी हो गया। अब जो ये क्ले है इसके ऊपर हम व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से स्लोली स्लोली करना है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मिरर्स ताकि ये और भी ज्यादा सुंदर लगे, पर मिरर लगाने से पहले मैं अप्लाई करूंगी वार्निश।
गाइज अभी तक ये कंप्लीट भी नहीं हुआ फिर भी इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको और सुंदर करने के लिए बीच बीच में थोड़े मिरर्स भी यूज करूंगी। ध्यान रखना जब आप मिरर्स लगाओगे उससे पहले ही वार्निश अप्लाई कर दो, मिरर्स लगाने के बाद वार्निश अप्लाई ना ही करो। अब मैं ब्रश से फेविकोल लगा के मिरर्स को चिपकाती जाऊंगी एक एक करके। तो गाइज हमारी गणेशा लिपन आर्ट बनके एकदम रेडी हो चुकी है। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये बनने के बाद। गाइज आपको ये गणेशा वाली लिपन आर्ट अच्छी लगी हो और आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।